और बात करेंगे मध्य प्रदेश के, जहां पर शिवपुरी के फैमिली कोर्ट में परिसर में गुरुवार को एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। दरअसल महिला का अपने पति के साथ राहुल ओझा से विवाद चल रहा था। इस मामले में पति राहुल ओझा अपनी पत्नी को हर्जाना देने के लिए कोर्ट पहुंचा था, तभी राहुल की पत्नी ने कोर्ट के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है और राहुल की बाइक को पत्थर से फोड़ दिया है, साथ ही मारने की धमकी भी दे डाली है। कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस तमाशाबीन बनकर देखती रही। मेरी तारीख निकल गई, कल मैं तारीख को गया था, टाइम था 1:30 से 2 के बीच में, उसका मैं मेंटेनेंस जमा करना था 3,000 रुपये, मैंने अंदर मेंटेनेंस दिया और अंदर से बाहर नहीं आ पाया, तो उससे पहले मेरी गाड़ी पटक दी और मैंने गया पत्थर उड़ा लिया। पत्थर उड़ाने के बाद मैंने जो करा बचाओ तो उसने नहीं मानी और आसपास के वो अधिक कर्मचारी और पुलिस वाले तो उन्होंने देखते रहे, लेकिन उन्होंने बुरी तरह बीच बताओ।